ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट. स्टेट टू ड्रॉबैक्स ऑफ दिस टेलीस्कोप. नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है व्हेन, कौन सा केस पूछ रहे हैं, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. रिफ्रैक्टिंग है तो लेंस वाला है, पहले ऑब्जेक्टिव लेंस बनाइए और कोई लेंस मत बनाइए. ऑब्जेक्टिव लेंस, बहुत दूर से लाइट्स आ रही हैं चांद सितारों से, इसलिए उनको गैदर करने के लिए जो लेंस चाहिए वो बड़ी वाली चाहिए. इसका अपर्चर, ये अपर्चर होता है ए, लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ. ये कहीं जाके इसे कन्वर्ज करेगा, ठीक है. तो ये ऑब्जेक्टिव की मदद से बनाई हुई इमेज डिस्टेंस. अब क्योंकि इन्फिनिटी से रे आ रही है तो कहाँ जाके कन्वर्ज होगी, फोकस पे ना, फोकस यहाँ है. तो इस पूरे रीजन को क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन पे. तो यहाँ वी नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट. तो ये डिस्टेंस जो है वो एफ नॉट के बराबर है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस के बराबर है. अच्छा, हम चाहते कहाँ हैं, इमेज बननी का चाहिए इन्फिनिटी पे. अब अगर तुम्हें इन्फिनिटी पे इमेज बनानी है तो तुम्हारा ही जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था चांद सितारे, जिसने उसने जहाँ इमेज बनाई है, अगर आप इस लेंस से तुम्हें इन्फिनिटी पे इमेज चाहिए तो दिस पॉइंट हैज़ टू बी द फोकस ऑफ दिस लेंस. तभी तो ये लेंस इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगी, क्योंकि हमें 10वीं क्लास में पढ़ा है कि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है. ये लीजिए, तो ये जाएगी इन्फिनिटी पे, देखने वाला ऐसे इन्फिनिटी पे देखेगा. तो ये जो डिस्टेंस है ये एफ ई हुआ, है ना. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. और इसका देख सकते हैं आप, अपर्चर छोटा है, स्मॉल अपर्चर, स्मॉल फोकल लेंथ, ये भी जान लीजिए. तो ये हमारा डायग्राम पूरा बन गया. आप देखेंगे कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में फो प्लस फी होता है, यहां तक फो, यहां से यहां तक फी, ठीक है. नाउ ड्रॉबैक क्या है, वही जो वहाँ हमने रिफ्लेक्टिंग के लिए एडवांटेज लिखी थी. क्या पहली ये है, स्फेरिकल एबरेशन, पहली तो यही है, एंड क्रोमेटिक एबरेशन. दूसरी, लो लाइट गैदरिंग पावर. दैट्स इट.